हेलो किड्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ मैजिक चैप्टर 5 पैटर्न्स। बिन्नी एंड गिन्नी वर गोइंग होम। बिन्नी और गिन्नी घर जा रहे थे। ऑन द वे दे सॉ सम पीपल मेकिंग द पेमेंट। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को पेमेंट बनाते हुए देखा। द टायर्स यूज्ड वर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस। वो जिस टाइल्स को यूज़ कर रहे थे वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिज़ाइंस के थे, ठीक है। दिस इज व्हाट दे सॉ। ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर्स साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप। जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी माँ की साड़ी एक रस्सी पे टंगी हुई देखी। इट ऑल्सो हैड अ नाइस डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर्स। उस साड़ी पे भी डिफरेंट डिज़ाइंस बने हुए थे डिफरेंट कलर्स में। इन द इवनिंग दे वर प्लेइंग इन अ पार्क। शाम में वो एक पार्क में खेलने जाते हैं। दे सॉ आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल। उन्होंने बाउंड्री वॉल पे एक लोहे की ग्रिल देखी। लुकिंग एट द ग्रिल्स बिन्नी सेड दिस सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडोज एट होम। बिन्नी ने जब उस ग्रिल को देखा तो उसने कहा कि इसी पैटर्न के ग्रिल्स जो हैं हमारे घर पे भी लगे हुए हैं, हमारे घर की खिड़कियों पे भी लगे हुए हैं। वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन लाइक क्लोथ्स एंड दरीज। बच्चों हम लोग भी अपने आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो देखते हैं जो डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट पैटर्न्स के बने होते हैं, फिर चाहे वो कपड़ों पे हो, घर पे हो, मतलब ग्रिल्स वगैरह के हो, ठीक है। भोलू हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिन्नीज मदर। भोलू यहाँ पे किसी बच्चे का नाम नहीं है, भोलू यहाँ पे एक रैट का नाम है, ठीक है। भोलू रैट हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिन्नीज मदर। भोलू चूहे ने बिन्नी की माँ के शॉल का एक हिस्सा खा लिया। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विच पीस इज़ ऑफ द सेम पैटर्न। अब आप इन पिक्चर्स को देखिए और आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो 4 पैटर्न्स बने हुए हैं, जो काटे हुए हैं, इसमें कौन सा सही पैटर्न है जो इस शॉल पे फिट होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका होगा नंबर 4 वाला, ठीक है। नंबर 4 पीस जो है वो इसके पैटर्न से मैच करता है, क्योंकि आप इस शॉल पे देखिए तो इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करके ऐसे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जो कि नंबर 4 वाले पैटर्न पे है। तो ये नंबर 4 पीस जो है वो इस शॉल का पैटर्न कंप्लीट करेगा, ठीक है। मदर वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग ग्रिल। कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी आयरन विद दिस। अब देखिए माधव जो है वो अपने गेट को कंप्लीट करना चाहता है इस आयरन ग्रिल के साथ। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो इस डिज़ाइन का ग्रिल है वो इनमें से कहाँ पे फिट होगा, ओके। एंड फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। अब बच्चों आप इस पैटर्न को देखिए, इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न जैसे फर्स्ट में देखो है पिंक येलो फिर पिंक है, ठीक है। उसी तरह से आप नीचे देखिए एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में हाफ ऑरेंज कलर है तो हाफ ग्रीन कलर है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से पैटर्न को देख फॉलो करते हुए इस बॉक्स को कंप्लीट करना है, ओके। लीफी पैटर्न्स यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स। सी दिस 5 लीफी पैटर्न्स। अब देखिए हम लोग लीफ को यूज़ करके भी बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। कैसे, यहाँ फर्स्ट में देखिए एक लीफ जो है ऊपर की तरफ है, फिर दूसरे में वो लीफ नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके, ठीक है।
सो नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न्स विथ एरोज इन योर नोटबुक. लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्सेस. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो करना है. कैसे? जैसे देखिए, फर्स्ट में रेड है, सेकंड में येलो है, फिर रेड येलो. अब बताइए आगे क्या होगा यहाँ पे बच्चों. यस, नेक्स्ट बॉक्स में रेड होगा, देन येलो, देन रेड, देन येलो. ओके, आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरा बनाना है. ओके, तो ये आपके दो वर्क हो गए. एक तो ये लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द बॉक्सेस, एंड ये फिल अप द ब्लैंक बॉक्स इनटू टू कंप्लीट द पैटर्न. ओके, तो ये दोनों आपका होम असाइनमेंट है. ओके, थैंक यू.